my YouTube channel Open Minded Biologist. Friend, in this video lecture we will discuss about cryzophytes. cryzophytes जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, टाइप से जिसको हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि हम cryzophytes पढ़ेंगे, cryzophytes के बाद में डायग्नोफ्लैजेलेट्स पढ़ेंगे. डायग्नोफ्लैजेलेट्स पढ़ने के बाद में हम यूग्लिना को देखेंगे, सिलाई मोल्ड्स को देखेंगे, ठीक है, इन तमाम चीजों को देखेंगे. लेकिन अभी बात करते हैं cryzophytes की, ठीक है. तो cryzophytes को हम जानो बैक्टीरिया का नाम ICBN ने 1978 में दिया था, ठीक है. जैनो बैक्टीरिया बोलते हैं cryzophytes को. cryzophytes के जो टाइप्स हैं उसको क्या बोलेंगे, डायएटम्स. क्या बोलेंगे, डायएटम्स प्लस गोल्डन एल्गी, ठीक है. गोल्डन एल्गी का नाम हम देते हैं डैसमिक्स. क्या नाम देते हैं इसका, डैसमिक्स, ठीक है. तो डायएटम्स, गोल्डन एल्गी, इसको डैसमिक्स बोले. ये मेनली दो टाइप्स होते हैं cryzophytes के. कितने टाइप्स होते हैं cryzophytes के, दो टाइप होते हैं. जेनोबैक्टीरिया, इसका नाम दिया था ICBN ने. ICBN मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, ICBN का मतलब है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है. 1998 में ICBN ने इसका नाम दिया था. अब डायएटम्स और गोल्डन एल्गी, इसके दो एग्जांपल है cryzophytes के. इसको हम यहाँ देखने वाले हैं, इसको डैसमिक्स बोलते हैं. अब बात आ रही है कि ये रहते कहाँ हैं. ये रहते मेराइन में है, ठीक है. मेराइन और एक्वाटिक, ठीक है. मेराइन बोलते समुद्र में रहने वालों को और एक्वाटिक बोलते पानी में रहने वालों को. और ये जो मेनली हम देख रहे हैं ना प्रोटिस्टा के सारे के सारे क्या है, यूकेरियोट्स हैं. और यूकेरियोट्स होने के साथ साथ सारे के सारे एक्वाटिक और मेराइन है, ठीक है. पानी में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, ठीक है. और ये डंप एरियाज में रहते हैं. डंप एरिया बोलते हैं जहाँ कीचड़ होती है, उन एरियाज को हम डंप एरिया का नाम देते हैं. अब उसके बाद में हमने ये देख लिया. अब साथियों एक चीज यहाँ देखने की बात है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं सारे. बैक्टीरिया भी माइक्रोस्कोपिक लेवल के थे, ये भी माइक्रोस्कोपिक लेवल के. माइक्रोस्कोपिक लेवल उस लेवल को बोलते हैं कि जिसको हम सिर्फ लेक आइस से देख सकते हैं, यानी माइक्रोस्कोप की उसमें जरूरत पड़ती है. माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे छोटी चीज को बड़ा करके देखा जा सकता है, ठीक है. उसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हुआ रहता है. आप आई थिंक कभी लैब में गए होंगे तो आपने वहां देखा होगा. अब यहाँ पीछे हमने दो टर्म्स पढ़ी थी, एक टर्म्स पढ़ी थी zooplankton और दूसरी टर्म पढ़ी थी phytoplankton. अब zoo और phyto, ठीक है. zoo बोलते एनिमल्स वालों को, phyto बोलते फोटोसिंथेसिस वालों को, ठीक है. लेकिन अब plankton का मतलब क्या है, plankton का मतलब है यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर तैर सके, ऑक्सीजनली तैर सके, उसको हम प्लंकटून का नाम देते हैं. अब दूसरी बात आ रही है कि ये जो डायएटम्स हैं, डायएटम्स की हम मेनली बात कर रहे हैं. डायएटम्स एक एनसीईआरटी के अंदर टर्म है जिसको हम सोप बॉक्स का नाम दे रहे हैं. क्या दे रहे हैं, सोप बॉक्स, ठीक है. सोप बॉक्स क्या होता है, साबुनदानी इसको मेनली हम बोलते हैं, उसको सोप बॉक्स बोलते हैं. इस तरीके से कैसे बनाते हैं ये जो डायएटम्स होते हैं, ये सेल वॉल जो होती है इनकी, अपनी सेल वॉल के ऊपर एक और सेल को ये क्या काम करते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं. ओवरलैप का मतलब ऊपर चढ़ा लेते हैं. ऊपर चढ़ाने के बाद में ये कुछ इस तरीके से हो जाते हैं, ठीक है. इस तरीके से ओवरलैप तब करेंगे दोनों सेल्स, तो तब जा करके ये क्या होंगे, तब जाकर के ये सोप बॉक्स में बनेंगे, ठीक है. सोप बॉक्स बना लेते हैं ओवरलैप करके. अब दूसरी बात ये है, एक टर्म बायोलॉजी के अंदर क्लास 11 के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं डायएटमशियस अर्थ. क्या बोलते हैं, डायएटमशियस अर्थ. ये जो टर्म है ना दोस्तों, डायएटमशियस अर्थ, ये इसका जो सेल वॉल होता है, जो डायएटम्स का सेल वॉल होता है, उस सेल वॉल पे आकर के सिलिकॉन इम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है.
यानी उसकी सेल वॉल पे आकर के सिलिकॉन लग जाता है और लगने के बाद में ये इंडेस्ट्रक्टेबल हो जाता है। इंडेस्ट्रक्टेबल का मतलब है जिसको तोड़ा ना जा सके उसको हम इंडेस्ट्रक्टेबल बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में ये क्या काम करता है, ये जब यहाँ से जाता है तो जो हैबिटेट्स होते हैं उनके ऊपर ये ऐसा असर डालता है कि फॉसिल्स, मेनली फॉसिल्स रिमेन है, ठीक है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में इसकी बात करूँ तो बोलेंगे अ सॉफ्ट क्रम्बलिंग पोरस, क्या बोलेंगे, अ सॉफ्ट क्रम्बलिंग पोरस सेडिमेंट्री रिमेन्स ऑफ सेडिमेंट्री रिमेन्स ऑफ फॉसिल आर कॉल्ड डाइएटमशियस, ठीक है। और ये बिलियंस ऑफ ईयर, फॉसिल एक टर्म यहां इस्तेमाल हुई है, ये फॉसिल, ठीक है। तो फॉसिल क्या होता है, फॉसिल वो होता है जो बिलियन और मिलियंस ऑफ ईयर एगो से जमीन के अंदर दबा हुआ है, उसको हम फॉसिल बोलते हैं, ठीक है। और ये फॉसिल फॉसिल दूसरी चीज होती है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल कौन से होते हैं, जो दबे हुए ईंधन देते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल क्या है, कोयला है, पेट्रोल है, ये सब फॉसिल फ्यूल है जो जमीन से निकलते हैं, ठीक है। उसकी लंबी कहानी है, वो क्लास 10 के लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया था। अब उसके बाद में हम बात करेंगे डायटमशियस अर्थ की, हमने बात कर ली। और फ्रेंड ये थोड़े ग्रिटी होते हैं, कैसे होते हैं, ये थोड़े ग्रिटली होते हैं, इसका मतलब है खुरदरे, कैसे होते हैं, खुरदरे खुरदरे, यानी जो डाई आइटम्स है वो ग्रिटली होने के बाद में इनको फिर हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनको हम तेल के फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तेल के फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये ग्रिटली हो गए, खुदरे हो गए, और किसी चीज़ पे पॉलिश करने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं, क्या करने के लिए, पॉलिश, ठीक है। समझ में आ रही है बात जो समझा रहा हूँ, पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसका भैया, किसका इस्तेमाल करते हैं पॉलिश करने के लिए, डायटम्स का, ठीक है। अब उसके बाद में मिलते कहाँ से हैं, डायटम्स आते कहाँ से हैं, डायटम्स का जो चीफ सोर्स है, जो मेन सोर्स है वो ओशियन है, ये हमको ओशियन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। कहाँ देखने को मिलते हैं, हमको ओशियन में देखने को मिलते हैं डायटम्स। तो अभी तक का जो चिट्ठा था सारा यहाँ मैंने बयान कर दिया, मुझे लगता है कि इससे आगे बयान करने के लिए और कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल का और ले जाऊँ, ठीक है। ये तो था पूरा एनसीईआरटी, अब एनसीईआरटी अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी इफ वी विल मूव टुवर्ड देन व्हाट विल वी सी, हम यहाँ थोड़ी आगे की चीज़ को देखेंगे। आगे की चीज़ क्या है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। हमारा आज क्लाइजो फाइट्स भी पूरा करा दिया। आगे की चीज क्या है, जो डायटम्स होता है, डायटम्स के फ्रस्टल में, इसमें फ्रस्टल में सिलिकॉन होता है, क्या होता है, सिलिकॉन, और पूरे डायटम्स के अंदर सिलिकॉन ही है, क्योंकि सिलिकॉन और हम ये मेजर सोर्स है सोडियम सिलिकेट का, इसका सोडियम सिलिकेट का, सोडियम सिलिकेट भी हमको इसी से आसानी से मिल सकता है, क्योंकि ये सिलिकॉन इसके जो सेल वॉल है, इसकी सेल वॉल पे सिलिकॉन होती है। अब एक चीज है जिसको नॉक्टी डाइग्नोफ्लैजलेट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूटिलेटेड डायग्नोफ्लैजलेट, ये नाम है, न्यूटिलेटेड डायग्नोफ्लैजलेट, नाम याद रखना भैया, न्यूटिलेटेड डायग्नोफ्लैजलेट्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नाइट लाइट बोलते हैं, नाइट लाइट, ठीक है। नाइट लाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि सोडियम सिलिकेट, सोडियम जो है वो चमकता है सिलिकॉन, ठीक है, साथ में रखे उसके। अब इसके अंदर एक और चीज है जिसको ऑक्सोस्पोर बोलते हैं, ठीक है, जो डायटम्स बनाते हैं। डायटम्स क्या काम करते हैं,
डायटम्स ऑक्सोस्पोर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्सोस्पोर्स। ऑक्सोस्पोर समझने की कोशिश करिएगा, ऑक्सोस्पोर क्या है? ऑक्सोस्पोर प्ले अ प्रोमिनेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ डायटम्स। ठीक है, डायटम्स की ग्रोथ में रोल अदा करता है और हेल्प करता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कराने में। ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों से ये रिप्रोड्यूस करता है, वो कंडीशन है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ऑक्सोस्पोर इसको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कराने में, ठीक है, और डोरमेंसी में भी इसको हेल्प करता है। डोरमेंसी, अब आइसोगेमी हम एक जगह आगे पढ़ेंगे, आइसोगेमी और मोनोगेमी, ठीक है, उन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। तो ये था पूरा, ठीक है, न्यूटी क्लेटेड डायग्नोस फ्लैजेलेट्स को नाइट लैम्प बोलते हैं। ये नीट 2016 में है, ठीक है, नीट 2016 और एएमयू में भी आया है ये भैया क्वेश्चन, ये वाला न्यूटी क्लेटेड डायग्नोस फ्लैजेलेट्स को क्या बोलते हैं? नाइट लाइट बोलते हैं। अब एक चीज है जिसको हेप्टोनेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेप्टोनेमा, हेप्टोनेमा। यह हेप्टोनेमा क्या है? अभी मैं तुम्हें इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हेप्टोनेमा क्या है। यह है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। और यहाँ जो है कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है, ये होते स्केल। क्या होते? स्केल इसको बोलते हैं, ठीक है, स्केल। और यहाँ दो फ्लैजेला होते हैं, ये दो फ्लैजेला और इसके बीच में होता है ये हेप्टोनेमा। ठीक है, यही हेप्टोनेमा, ठीक है। और यहाँ इसके पास में ये और ये, इसमें दो जो है माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है, और यहाँ होती है गोल्जी अपरेटस, यहाँ होते हैं गोल्जी अपरेटस और ये होता है साइटोप्लाज्म, और यहाँ बैक्टीरियल होता है। क्या होता है? बैक्टीरियल, ये होता है बैक्टीरियल और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम? पावर हाउस, ठीक है, पावर हाउस बोलते हैं। और ये क्या है? इसकी सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? इसकी सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या है? इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। और ये है इसका फ्लैजेला। क्या है ये? इसका, इसका फ्लैजेला। और ये क्या है? गोल्जी, क्या है ये? गोल्जी पडीज, ठीक है। तो यहां इसको देखिएगा आप सही से, ये क्या है? हमारा डायटम्स, डायटम्स का स्ट्रक्चर मैंने आपको बना करके दिखाया। और इसमें एक और चीज छूट गई है जिसको हम क्या बोलेंगे, सबसे मेन चीज तो छूट ही गई हमारी, जो कंट्रोल रूम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा कंट्रोल रूम, जिसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। ये क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। यह है हमारा डायटम्स का स्ट्रक्चर। डायटम्स के स्ट्रक्चर में यहाँ जो है दो तो माइटोकॉन्ड्रिया, एक साइटोप्लाज्म, एक सेल मेम्ब्रेन, और एक होता है ये हेप्टोनेमा। हेप्टोनेमा क्या काम करता है? फीडिंग का काम करता है। और फ्लैजेला इसको मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। क्या कराने में हेल्प करते हैं? मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। गोल्जी बॉडीज स्केल्स हो गए, ठीक है, और यहाँ हो गया ये न्यूक्लियस, ये वैक्यूल हो गया, फूड स्टोरेज का काम करता है। तो दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ डायटम्स, ठीक है। देखो भैया, मैंने तुम्हारा कंप्लीट तो करा दिया, लेकिन तुम अब बस तुमको क्या करना है? पढ़ना है। जितना ज्यादा तुम इनपुट दोगे उतना ज्यादा तुम आउटपुट मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि मैं आई एम नॉट स्टैंडिंग हियर टू मोटिवेट यू, बट आई वुड लाइक से कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिएगा। बी फोकस्ड, बी कंसंट्रेटेड, ठीक है। आफ्टर देन यू विल करेक्ट टू एनी एग्जाम एंड यू कैन डू दैट। यार कुछ नहीं है इसमें बायोलॉजी में, बायोलॉजी बहुत हल्का सब्जेक्ट है, बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये था डायटम्स का स्ट्रक्चर।
ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अस्सलाम वालेकुम।